आज हम आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताने वाले हैं जिसमें महज 8 साल का लड़का 3 मर्डर करके बन जाता है दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर। और एक रिपोर्ट की माने तो उन्होंने 7 साल की एज में अपने हाथों को खून से रंग लिया था। दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है मुसहरी। मुझे इस गाँव की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ सारे बच्चे एक साथ पढ़ते और खेलते हैं। इस गाँव के ज्यादातर बड़े लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। इस गाँव में एक ग्रामीण स्कूल भी है जहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। अब क्योंकि स्कूल और गांव पास में ही था इसीलिए साल 2007 में चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची खुशबू को स्कूल में सुला देती है और वो कुछ काम से घर आ जाती है। लेकिन जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को स्कूल लाने जाती है तब वहाँ खुशबू कहीं नजर नहीं आती है। अब उसकी माँ परेशान हो जाती है और पागलों की तरह सबसे पूछती है कि क्या आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है, क्या आपने खुशबू को कहीं देखा है। लेकिन हर किसी का बस एक जवाब होता है, नहीं। अब उस समय एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद सदा परिवार का एक मेंबर आता है और वो उसे बताता है कि उसे पता है कि उसकी बेटी कहां पर है। वो दोनों मिलकर भगवानपुर थाना जाती है और खुशबू के लापता होने का FIR दर्ज करवाती है। अब क्योंकि ये छोटी बच्ची का केस था तो पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो जाती है और ऐसा उस गांव में पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले 2 और बच्चे इसी तरह से गायब हो चुके थे और दोनों बच्चे सदा फैमिली के ही थे। फिर बाद में और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इस गांव से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चियां गायब हो चुकी है। इस केस को सुनकर मानो पूरे गांव में दहशत मच जाती है। अब सदा फैमिली जो खुशबू के केस में मदद कर रही थी वह पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लेग्राउंड ले जाती है जहां पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलते हैं। और फिर अमरजीत से पूछा जाता है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है। लेकिन अमरजीत कुछ जवाब नहीं देता है, बस मुस्कुराता रहता है। इस केस बिहेवियर से पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद अमरजीत को कुछ पता हो लेकिन यह कुछ बोल नहीं रहा है। और बाद में उसे भगवानपुर थाना लाया जाता है जहाँ उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखें तो पुलिस से बच्चे डरने लगते हैं और खास करके गांव के बच्चे। लेकिन अमरजीत बस स्माइल करता है जहाँ उनसे ऑफिसर फिर वही सवाल करता है कि क्या तुम्हें खुशबू के बारे में कुछ पता है। लेकिन वह कहता है कि आप मुझे एक बिस्किट दो फिर मैं आपको बताऊंगा। फाइनली एक ऑफिसर उसे बिस्किट का पैकेट थमाता है और फिर अमरजीत खुश होकर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि खुशबू कहाँ पर है। और वो कहता है खुशबू मर चुकी है। अब अमरजीत को ये बात इसीलिए पता होता है क्योंकि उन्होंने उसका मर्डर किया होता है। सारी बात सुनकर ऑफिसर हैरान हो जाता है। तभी अमरजीत कहता है स्कूल में उन्होंने खुशबू को देखा था जब वह अकेली थी, इसीलिए अमरजीत ने खुशबू को झाड़ी के बीच में ले आया जहां उस मासूम सी बच्ची पर गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की गई। लेकिन उसने बताया कि गला घोंटने में मजा नहीं आ रहा था। अमरजीत को खुशबू की आंखों में वो दर्द मजबूरी नहीं दिख रही थी इसीलिए वो उसे छोड़ता है और एक ईंट उठाता है, उससे उसके सिर पर तब तक मारता है जब तक खुशबू मर नहीं जाती। ये सुनकर पुलिस को और भी शौक लगता है। अमरजीत का केस बहुत ही पेचीदा था। उसका जन्म 1998 में हुआ था। उसके परिवार वाले बहुत गरीब थे। उसके पापा एक मजदूर और मम्मी हाउसवाइफ थी। पैसे नहीं होने की वजह से इसके परिवार सोचते हैं कि चलो मुसहरी गांव शिफ्ट हो जाते हैं। उस वक्त अमरजीत करीब 6 साल का था और गरीब होने की वजह से वह अपने परिवार को अब्यूज होता भी देख रहा था। घर में माँ बाप की लड़ाई ये सब देखकर उसका माइंड नेगेटिविटी में डूब चुका था। अमरजीत एक मेंटली डिस्टर्ब चाइल्ड बन चुका था। उसके अंदर हमेशा वायलेंस और मर्डर वाली सीन क्रिएट हो चुकी थी। वो लोगों से लड़ता, उनसे बदतमीजी करता और ये सारी चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस बिहेवियर को पूरे गांव नहीं बल्कि उसके परिवार वाले भी जानने लग गए थे, बल्कि वो उसे महसूस कर रहे थे। जो 2 लड़कियां इस गांव से गायब हुई थी उन दोनों का मर्डर अमरजीत ने किया था। उनमें से साल 2006 में अमरजीत की चचेरी बहन जो सिर्फ 6 साल की थी और दूसरी उसकी सगी बहन जो 6 महीने की थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन 2 बच्चियों को भी इसी बेरहमी से मारा गया था जिस तरह अमरजीत ने खुशबू को मारा था। लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि सबसे अजीब बात तो ये है कि उसके परिवार वाले ये बात जानते थे। जी हाँ, उन्हें पता था कि इन सबके पीछे अमरजीत का हाथ है, लेकिन पता नहीं किसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये बात सारे गांव वाले से छुपा कर रखेंगे। शायद उन्हें डर होगा कि उसके बेटे के साथ साथ कहीं उसे भी जेल ना हो जाए। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 2008 में खुशबू को मारने के बाद अमरजीत इंडिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन जाता है। अमरजीत के इस कन्फेशन के बाद सारे साइकोलॉजिस्ट इस पर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि अब यह जानना बहुत जरूरी बन चुका था कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। और अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे ख्याल से अमरजीत कोई किलर नहीं था, क्योंकि आप एक बार खुद सोचो, ना तो इसके घर वाले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे और ना इसके घर पर कोई TV थी जिससे यह कोई सीख सके। और जिस साइकोलॉजिस्ट ने अमरजीत के साथ समय बिताया उन्होंने अमरजीत को सैडिस्ट कहा। सैडिस्ट का मतलब होता है जिसे लोगों को मारकर प्लेजर मिलता हो, और अब उसे लोगों को मारने में मजा आने लगा था। और ये सारी हैबिट उसके ब्रेन में ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। अब क्योंकि इंडियन लॉ के मुताबिक 18 साल से कम को जेल नहीं हो सकती क्योंकि उसे नाबालिग माना जाता है, इसीलिए अमरजीत को चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया जाता है जहां उन्हें हर कोई अच्छे से ट्रीट करे ताकि वह फिर से नॉर्मल हो जाए। और आज वह लड़का 22 साल का हो चुका है और हमारे बीच है। लेकिन क्या अभी अमरजीत ठीक हो चुका है या वैसा ही है, यह कोई नहीं जानता। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली और भी अमेजिंग वीडियो में।